अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड यार। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेरी वेल। और जिन जिन के पास जो जो सी गाड़ियाँ हैं, वो उन गाड़ियों का ख्याल रख रहे हो, उनको साफ़ सुथरा रख रहे हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, उनका दिल खुश हो रहा हो, झूठा जिस तरह हम कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बाकी सब लोग भी कोशिश कर रहे होंगे। अभी RS टर्बो यार खड़ी हुई है, उसका रिव्यू अभी मैं नहीं लेकर आया, उसका रिव्यू लेकर आएंगे, लेकिन आज का जो रिव्यू है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ रिगार्डिंग क्या यार, इसे कहते हैं वैनम। दैट इज़ वैनम स्टाइल होंडा सिविक, दैट इज़ द 10th जनरेशन। जिन लोगों को 10th जनरेशन पसंद है और वो इसमें ब्लैक कलर में देखना चाहते हैं उसको, तो वो ब्लैक कलर में वैनम का एक स्टाइल है, मॉडिफिकेशन है, उसके रिम, उसके टायर, उसका एक्सटीरियर, उसका इंटीरियर, उसकी डिटेल के अंदर हम जाएंगे, आपको डिटेल रिव्यू बताएंगे। जिनकी गाड़ी है उन भाई से भी मुलाकात कराएंगे, उनका बड़ा शौक़ है वो RS टर्बो 11th जनरेशन ले लें, लेकिन उन्होंने 10th के ऊपर बड़ा मेहनत की है, बड़ा काम किया है यार। ही इज़ अ यंग चैप, सो हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे एंड लेट्स सी कि उस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें। चलो आओ मेरे साथ आ जाओ एंड आई लेट यू नो अबाउट इट। गाइस क्या हाल है यार, आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको वैनम सिविक दिखाएंगे, सिविक एक्स में। ये हमारा भाई है हमज़ा। हमज़ा ने बड़ी एफर्ट लगाई है इसकी मॉडिफिकेशन में, और इस मॉडिफिकेशन को करने में इसने क्या क्या एफर्ट किया भाई, वी गोना सी दैट। ये आज डिटेल आपको बताएंगे कहाँ से आप करवा सकते हैं अपनी गाड़ियों में, क्या क्या करवा सकते हैं। सो पहले एक लुक दिखाता हूँ यार, ये देखो, दिस इज़ होंडा सिविक एक्स वैनम स्टाइल। और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल बताऊंगा। हमजा साथ साथ आ जाए यार। ये बॉडी किट कहाँ से लगाई, कितने की मिली और कैसे लगी? ये साइकिल से लगवाई हमने। ये आपने साइकिल से लगवाई? अच्छा, तो ये इसकी कॉस्ट कितनी आती है भाई इस किट की? क्या पूरा बम्पर चेंज होता है या? पूरा बम्पर चेंज होता है। पूरा बम्पर, ओरिजिनल बम्पर हट जाता है जी, और नया बम्पर लग जाता है जी, नया बम्पर लगता है। और इसके अंदर जो ये लाइट्स हैं, हैलोजन में देख रहा था काफ़ी ब्राइट लाइट्स हैं, ये फुल लगवाई हैं जी। तो इसकी कॉस्ट कितनी है यार ये लाइट्स की? नीचे जो फॉग लैंप्स लगे हैं मेरे 10,000 के पड़े हैं। 10,000 के फॉग लैंप्स हैं? अच्छा, और ये बम्पर कितने का है? बम्पर टोटल किट आती है, फ्रंट और बैक बम्पर सारे, फ्रंट और बैक किट दोनों साथ आती हैं। ये लेदर लेदर नहीं लगा सकते, अगर एक डैमेज होगी तो दोनों लेनी पड़ेगी। तो ये कितने की है? ये 110,000 की अभी किट है। अभी डॉलर थोड़ा सस्ता हुआ है, अभी बाय कर लो, बाद में ये 1.5 लाख तक की भी मिलेगी। तो ये मैं देख रहा हूँ हेडलाइट्स भी चेंज है भाई इसकी। हेडलाइट्स आपने दोबारा आफ्टर मार्केट लगवाए हैं? जी आफ्टर मार्केट लगवाए हैं। और आफ्टर मार्केट की प्राइस कितनी है? आफ्टर मार्केट ये 115 का, 1,15,000 की ये दो हैं। और जेन्युइन आपके पास सेव है, यानी कि इन केस गाड़ी बेचनी हो या शौक पूरा हो जाए तो आप जेन्युइन पार्ट्स लगा के स्टॉक गाड़ी बेच सकते हैं। तो भाई काला कलर ही क्यों, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? काला टोर ही काले की है, टोर काले की है, लेकिन यार काले के साथ आपके पास सिल्वर भी है जो आप उसके साथ साथ ही कर रहे हैं अपने, तो उसका भी करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन रिव्यू करेंगे दोनों, ब्लैक और सिल्वर का। अभी तैयार होनी है वो भी, इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस है। अच्छा, तो आए भाई आपको दिखाते हैं साथ। सबसे पहले ना रेम और टायर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज लेकर आए आपको दिखाता हूँ यार। ये इमोशन आर का आपने रेम लगाया हुआ, ये कितने इंच का रेम है? ये 18 इंच का। ये 18 इंच का रेम है और इस पर टायर आपने योकोहामा का लगाया हुआ है। तो इसकी क्या कॉस्ट है यार, चारों रिम आपने चेंज कराए होंगे? चारों रिम इसका कॉस्ट मुझे अराउंड चक्की पता नहीं, बड़े भाई ने मेरे लगवा के दिए थे ना ये। लेकिन मार्केट में क्या रेट चल रहा होगा? मार्केट में अराउंड लगा लो आप 3-4 लाख का रिम। अच्छा, और जो किट आप बता रहे हैं उसके साथ साइड्स कट भी आती है? ये सारी इसके साथ ही है। और ये जो सिल्वर क्रोमिंग आपने की हुई है जी, ये एडिशनल है या वो किट के साथ आई थी? ये एडिशनल है। ये एडिशनल है जी। अच्छा, इसके पैसे लेते हैं। और ये जो बैटमैन आपने कवर रखा हुआ है साइड मिरर्स का, ये भी सेपरेट है? ये सेपरेट लगवाया है। और इसी क्या कॉस्ट है, कहाँ से लिया? ये भी साइकिल से हमने लिया। ओ भाई, साइकिल मोटर से सारे ले रहे हैं यार, क्या बात है। साइकिल भाई, सलाम अलैकुम। साथ भाई,
और अच्छा ये जो क्रोम है ये आफ्टर मार्केट है? नहीं नहीं स्टॉक की है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसके साथ आती है बैग के साथ। और इसका इंटीरियर जी दिखाएं, इधर आए हमजा भाई ने अपनी गाड़ी के अंदर इसकी जो पोशिश है वो भी चेंज कराई हुई है। और अगर आप ये देखें तो फुल ले डाउन स्टाइल है, ब्लैक विद रेड की मैचिंग की हुई है। इंटीरियर अगर आप देख रहे हैं तो इंटीरियर के अंदर इन्होंने एम्बिएंट लाइटिंग ऐड की है सर आपने। अच्छा एम्बिएंट लाइटिंग अभी हम आपको ना ऑन करके दिखाते हैं, बाकी आपको ना पीछे से दिखाता हूँ मैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो। गाड़ी जो सी है उसको बंद करते हैं। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे इन्होंने यहाँ पे टेंट कवर रखे, यहाँ पे नॉर्मली लोग पेपर लगाते हैं लेकिन प्लास्टिक का कवर है। ये भी क्रोम हैंडल्स हैं। साइड के अंदर ये स्कर्ट्स आती हैं। रेम ऑलरेडी बड़ा हाई प्रोफाइल रेम है। इसके साथ ये बैक और फ्रंट की जिससे हमने बात की, ये स्पॉइलर भाई आपने बाहर से लगाया हमसे? जी बाहर से लगाया है। तो ये स्पॉइलर लगाने का मकसद क्या है? स्पोर्टी लुक आ जाती है गाड़ी, स्पोर्टी लुक आ जाती है। वैसे एलिगेंट भी होती है और स्पोर्टी भी होती है, डैशिंग जरा है। और ये देखें रोज स्पॉइलर भी इसके अंदर लगा हुआ है, अगर आप ये ऐड कर लो तो इट एड्स ऑन टू द प्रोफाइल ऑफ द कार। ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। और जो इन्होंने एंटीनास लगाए हैं, एक्चुअली ये वर्किंग नहीं होते हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये पूरी क्लास ऑफ द कार को इम्प्रूव करने के लिए ये एड ऑन किए हैं। ये सिमेट्री बनती है उसकी शार्कर एंटीना के साथ। अच्छा हमको सिखा रहा है। अच्छा तो ये पीछे तीन साइलेंसर्स का भी इन्होंने दिया हुआ बॉडी किट, वो भी ये डिफरेंट आते होंगे? जी डिफरेंट आते हैं, पर ये अभी तो इसको मैं कट करवा के ओरिजिनल लगाऊंगा ना। इसके नीचे आप ओरिजिनल लगवा रहे हैं? इसके पर पुराने लगवा। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी जो ये लाइट्स हैं इनको क्या कहते हैं? ये लावा लाइट्स हैं? लावा लाइट्स हैं। अच्छा ठीक है, लावा लाइट्स अगर ऑन करें तो रोशनी में ऐसे काम होगी, रात को देख सकते हैं। आपने ये सेंसर्स भी लगवाए हैं, पार्किंग सेंसर्स? अच्छा ये बाद में आते हैं मेरे ख्याल से, सिविक में एक्स में नहीं आए? नहीं आए लेकिन आपने डाले हैं। तो ये कितने सेंसर हैं जी यहाँ पे? चार हैं? चार सेंसर हैं। अच्छा जी चार सेंसर हैं, इधर से भी आ जाएं, इधर से आपको दिखा देता हूँ। आपको यही थोड़ा व्यू आएगा यहाँ से, रैम उसके साथ उसके साइड स्कर्ट्स और उसके साथ यहाँ से इसका बम्पर और ब्लैक टिंटेड ग्लासेस और फिर आपका इसका बैटमैन स्टाइल के आपके कवर आ जाते हैं साइड मिरर्स के। और फ्रंट आपका देखें, इट्स थोरो कार जिसको मेरे ख्याल से तकरीबन कोई आपने 12 से 13 लाख रुपए एडिशनल लगाया है तब जाके आपकी ये जो सी है गाड़ी इतना मॉडिफाइड हुई है। अभी भी आपसे पैसे लगा रहे हो? 70% अभी काम हो गया है। अच्छा बाकी 30%। अच्छा 30% में क्या करना चाह रहे हैं? इसके एयर लगवाने। अच्छा एयर सस्पेंशन लग रही है, वो गुजरांवाला से लग रही है या लाहौर से? गुजरांवाला से। क्या नाम है उनका? एयर बी एफ टी भाई। अच्छा ये पैसे आप लगाते रहें, ये गाड़ी आपको उतनी ही क्लास देगी, उतना ही मज़ा देगी। और इसमें आपको ना मज़ा आएगा कि आप इसमें ये देख सकें कि लोगों को देखें बड़ा यहाँ पे शौक है, वो देखें बच्चे जा रहे हैं और उनको हम जाने देंगे क्योंकि उन्होंने भी घूमना फिरना है। क्या बोला तूने? तो ये देखें जी, दिस इज़ द होल ब्यूटी। और इस ब्यूटी में ना जो सा मामला है वो ये है कि आपने जो भी मॉडिफिकेशन करानी है आप साइकिल मोटर से करा लें। हमजा भाई का नंबर हम टैग कर देंगे वीडियो में, आप उनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना।